हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज का ये वीडियो दिवाली का नाम होने वाला है, जो है 2021 की बहुत सालों बाद फैमिली के साथ दिवाली मना के का मौका मिला है। और करुणा को धन्यवाद, क्योंकि उसकी वजह से ही वर्क एट होम पॉसिबल हो पाया। दुनिया का थिंकिंग चेंज हो रहा है, आप भी अपना करिए। तो ये हैं हमारे लक्ष्मी गणेश जी, और कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरे अंदर में हो रहा। और अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। अभी हम लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करेंगे, उनके बाद उनका प्रसाद लगाएंगे और फिर उनकी आरती करेंगे। ने लिखा है गेरुए से श्री लक्ष्मी गणेश जी, हम पूजा करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। चलिए कपूर डालना पड़ेगा कपूर। फ्रेंड्स, पूरे भारतवर्ष में दिवाली का त्योहार अलग अलग तरह से मनाया जाता है। जैसे अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, वहां पे माना जाता है कि देवी माँ ने असुरों का संहार किया था, इसलिए वो लोग दिवाली मनाते हैं। और गुजरात साइड की दिवाली तो बिल्कुल ही अलग है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, पार्टी करने निकल जाते हैं। जिस तरह से हम पूजा करते हैं, घर में खाना प्रेफर करते हैं, गुजराती लोग के घर में खाना बनता ही नहीं है त्योहारों पर। वो मोस्टली बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हैं, और जो होटल इंडस्ट्री है या फूड इंडस्ट्री है उसको भी एक तरह से प्रॉफिट करवा रहे हैं। और जबकि अगर आप बिहार साइड में जाएंगे, वहाँ पर माना जाता है कि गौतम बुद्ध को इस दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था। नहीं और गाइस, ये हमें और ये हमारी दिवाली हो रही है। और देखिए ऊपर थोड़ा सा, यहाँ है कैमरा काबू, देखो ऊपर कैमरा, यहाँ पे कैमरा। हाय गाइस, और हम दिवाली मना रहे हैं अभी। और अभी हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं दिवाली का पूजन, हम स्टार्ट करने वाले हैं। जगदीश हरे बंद हरिता, तुम रक्षक
सहकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी भक्ति करो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा जय जगदीश हरे तन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ब्रह्म आरती को कोई न गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर सुख संपत्ति पावे जय जगदीश हरे वेरी गुड करिए। एक ये भी वजह है दिवाली के लिए क्योंकि आज के दिन सारे लोग अपने जो भी हमारे वाहन है उनको अच्छे से धो के उनकी पूजा करते हैं, पूजन किया जाता है, भविष्य में वो लंबे चले अपनी और किसी भी तरह की दुर्घटना या फिर किसी भी तरह की हानि क्षति ना हो इसके लिए भी इस तरह से पूजन किया जाता है। आपके घर में जो भी वस्तु है उनका पूजन करें, धन फल फूल धन धान एवरीथिंग। ये देखिए हमारी काव्या मैम और ये देखिए हमारी दिवाली आ रही है और हमारी ये लाइटिंग है, पूरा घर लाइट लाइट कर रहे हैं। क्योंकि दिवाली रोशनी का त्योहार है इसलिए लोग घी के और तेल के दिए हर जगह रखते हैं, पूरे घर में हर कोने में, क्योंकि कोई भी कोना अंधकार में ना रहे, पूरे घर में रोशनी रहे, जब लक्ष्मी माँ आए तो उनको बहुत अच्छा लगे और इस तरह से ये पूरा रोशनी से घर जगमगा उठे। काबू की जलने वाली है, काबू मैडम की जलने वाली है। हमें भी कर लो। फ्रेंड्स आई विल रिक्वेस्ट यू, जब भी आपके घर में पटाखे आप चलाएं या बच्चे चलाएं तो हमेशा कोई बड़ा उनके साथ रहे, किसी भी तरह से उनको कभी अकेला ना छोड़े और उनको हमेशा वो ही पटाखे दें, फुंजड़ी छिटपिट छोटे मोटे जिसको वो इजीली चला सकें, कोई भी किसी तरह की हानि या किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। हमेशा उनके साथ रहें और हमेशा उनकी देखभाल करते रहें क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत तरह की दुर्घटना हो जाती है और इसीलिए उनसे बचने के लिए आप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहें।
बस दूर। बस ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे इतना ही। आप भी बताइए कमेंट्स में आपकी दिवाली कैसी रही, कैसे आपने दिवाली मनाई, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। टिल देन बाय।